हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी एक यूएसबी माउस है, यानी आपका माउस काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूएसबी माउस है, तो हमने इसे फिलहाल ऑन कर रखा है, हम रिजॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो माउस है वो कहीं से कटा तो नहीं है। आपको पूरी वायर चेक कर लेनी है एक एक करके अच्छे से, कहीं से कटा तो नहीं है। और लास्ट में आपको देखना है यूएसबी केबल। लास्ट में कोई यूएसबी केबल देखना है कि यूएसबी केबल कहीं से टूट तो नहीं गई है। कई लोगों की यूएसबी केबल यहाँ से टूट जाती है, कट जाती है, जिसकी वजह से काम नहीं करता है। पर अगर आपका ये सब कुछ सही है तो आपको यूएसबी केबल में ध्यान देना है। अंदर की तरफ आपको कुछ पिंस दिखाई देंगी, तो आपको इन पिंस को साफ करके देखना है। शायद इसमें गंदगी जम गई हो, उसको पिन को साफ करना है। ऐसा आप इसे कॉटन से कर सकते हैं, या जो टूथब्रश होता है दांत साफ करने वाला ब्रश, आप उससे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसे किसी और पोर्ट में लगाइएगा। आपके कंप्यूटर लैपटॉप में 4 से 5 पोर्ट होंगे, तो आप दूसरे पोर्ट में इसे यूज़ करिए। आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप का भी पोर्ट साफ करके देख सकते हैं, तब भी शायद आपका जो यूएसबी पोर्ट है काम करने लग जाएगा और आपका माउस भी काम करने लग जाएगा। पर शायद आपका जो यूएसबी पोर्ट है वो भी ख़राब हो गया हो, तो आप अपने यूएसबी पोर्ट को चेक कर सकते हैं कोई भी पेन ड्राइव या कार्ड रीडर लगा के, कि आपका जो यूएसबी पोर्ट है सही है या नहीं। इसके बाद आपका जो माउस है 1% चांस है ठीक होने के, तो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरा ही माउस यहाँ से टूट गया था, तो मैंने इसे ठीक कर रखा है, रिपेयर कर रखा है, और आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।